कोई भी लड़की आपका दिल तोड़कर चली जाती है, आप उसे मौका देते हो आपके दिल को तोड़ देने का, आपको बर्बाद करने का, आपके ज़िंदगी को नस्तो नाबूद कर देने का, ऐसी परमिशन आप उस लड़की को देते हो कि वो आपके ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका दिल टूट जाता है, कोई लड़की आपका दिल तोड़ देती है, तो पहली बात तो ये है कि ऐसी क्या कंडीशंस होती है जिस कारण से कोई भी लड़की को इतना हक होता है कि वो आपके दिल से खेलती है और फाइनली आपके दिल को तोड़ देती है। और अगर आपका दिल टूट गया है तो फिर वो जुड़ तो नहीं पाता है। दिल जो है बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, ये बहुत ही ब्रिटल होता है, इसे बहुत ही हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। और अगर आपने इस दिल को हैंडल विथ केयर नहीं किया है और ये दिल टूट चुका है तो ये जुड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन चीज़ें कैसे आप बेटर कर सकते हैं ये मेरे पर्सनल एग्जांपल से आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, और अगर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरे रिसेंटली 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस YouTube के खेल में मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं और पहले 1000 सब्सक्राइबर 1.5 साल में पूरे हुए। फ्रेंड्स, 14 फरवरी को 2023 में आप सब्सक्राइबर्स ने मुझे बहुत बड़ा वैलेंटाइन्स गिफ्ट दिया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया 14 फरवरी का। और ये आपने क्या कर दिया कि पहले 1.5 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद सिर्फ 2 महीने में अगले 1000 सब्सक्राइबर्स। एक्चुअली मेरा दिल टूट गया था और मैं भड़ास निकालने के लिए ही मैंने ये YouTube चैनल बनाया। मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसी कंसेप्ट्स बनाऊंगा जिससे कि मैं महिलाओं का थोड़ा अपमान कर सकूं। जी हाँ, सब्सक्राइबर से झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक लड़की ने जो मेरा दिल तोड़ दिया था कभी, उसके बाद 13 लड़कियाँ मेरे जीवन में आई, टोटल 12 लड़कियाँ जीवन में आई। मैंने कोशिश तो 30 महिलाओं के लिए की थी कि लड़के इन महिलाओं से मेरा संपर्क हो सके, लेकिन जो पहली लड़की जो पंजाबन थी जो मेरे जीवन में आई थी, उससे मैं बहुत ही सच्चा था, लेकिन क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ दिया और मेरे दोस्त से ही संबंध बना लिया, आज जहाँ भी है वो खुश रहे ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसे बद्दुआ भी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज भी उसके लिए मेरे दिल में जगह है। एक बहुत ही साधारण अच्छा इंसान हुआ करता था, अच्छे परिवार का एक अच्छा मानुष हुआ करता था, और उस लड़की ने मुझे अमानुष बना दिया, पता है, और मुझे मजबूर किया कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें 18+ कंटेंट हो, जिसमें मैं आपको बताऊं अजीब अजीब चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा तो हो पर लोगों को ऐसा लगे कि ये इंसान थोड़ा ठरकी टाइप का है। एक्चुअली मैं ठरकी टाइप का नहीं था, पर उस लड़की ने मुझे बना दिया, उस लड़की ने मुझे इनह्यूमन बना दिया, बिल्कुल इमोशनल लेस बना दिया, मेरी भावनाएं सारी ख़त्म कर दी। जो रात मैंने गुजारी मर के, कहीं वो रात आपको भी न गुजारनी पड़े, इसलिए भी मैंने ये चैनल बनाया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको टिक से
टिप्स एंड ट्रिक्स पता ही नहीं है। अगर मैंने उसको सेक्सुअली मेरी गर्लफ्रेंड को एकदम अट्रैक्टेड रखा होता मेरे पास, तो वो दूसरे मेरे फ्रेंड के पास नहीं गई होती, मेरा दिल टूटा नहीं होता और आज इतना बर्बाद मैं नहीं हुआ होता। लेकिन क्योंकि मैं अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल नहीं बना पाया तो किसी और शाहजहां के पास चली गई दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं तो बिल्कुल अकेला ही चला था इस YouTube के खेल में, इस YouTube की दुनिया में, और मुझे बहुत ही, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। 2000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद सरल भाषा चैनल पर बस यूं ही हमेशा बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं लेके आऊँ। एक्चुअली मैंने बताया आपको कि ये चैनल मैंने भड़ास निकालने के लिए ही बनाया था, और बिल्कुल खराब खराब वीडियोस में बनाता था और अभी भी बनाता हूँ, जिसमें महिलाओं की इतनी इज्जत नहीं हो पाएगी। जैसे कि एक आदमी जो है वो औरत का दूध क्यों पीता है, या फिर लड़की को कैसे पटाना है, भाभी को कैसे पटाना है। बहुत सारे रैंडमली मेरे पास खराब कमेंट्स भी आए, जिसमें लोगों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इस टाइप के वीडियो बनाते हो, तुम्हारे घर पे कोई है नहीं क्या? अरे घर पे क्या साहब, सारे घर वाले मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे जितने रिश्तेदारों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, मुझे लगा था वो अप्रिशिएट करेंगे, उन लोगों ने मुझे भर भर के गालियाँ दी है। आज मैं शादियों में जाता हूँ तो लोग मुझसे दूर हो जाते हैं कि यार ये गलत टाइप के वीडियोस बनाता है। इवन मेरी वाइफ की निगाहों में मैं गिर गया हूँ। उसने मुझसे एक बार धमकी भी दी थी कि अगर तुम ये वीडियोस इस टाइप के बनाना बंद नहीं करोगे तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी, तुमसे दूर चले जाऊँगी। वो दूर तो नहीं गई, उसकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने मुझे धिक्कारा है। लेकिन मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाए हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ मेरे भाई हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, शायद उनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में पता ही नहीं है, वो अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत खुश कर नहीं पाते हैं। उनके लिए मैंने ये सिर्फ चैनल बनाया है, और जो वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, बाकी जगत दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह करना मैंने छोड़ दी है। पहले मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं कि चैनल मैंने क्यों बनाया, बताऊं मैं आपको मेन रीज़न, आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे। थोड़ा यह जटिल विषय होता जा रहा है, मैं बहुत इमोशनल भी फील कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरा दिल किस प्रकार से टूट गया, और महिला जाति के लिए कैसे मेरे दिल में नफरत आ गई, और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल गंदे वीडियो बनाऊँगा, 18 प्लस वीडियो बनाऊंगा, ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि समाज में गंदगी फैलाऊंगा। लेकिन मैंने ये देखा कि उन वीडियोस से मेरे बहुत सारे भाई हैं जो सब्सक्राइबर हैं, इनको बहुत बहुत मदद मिलने लगी। विधवा पे मैंने एक वीडियो बनाया कि विधवा जो है सेक्स के बारे में क्या सोचती है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, हाथों हाथ उठा लिया। आज शायद 34,000 व्यूज़ आ गए, बहुत कम समय में, आप देखिएगा उस वीडियो को। बहुत सारे लोग हैं जो विधवा से शादी करने को तैयार हो गए हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं मनोहर भाई हैं, मेरे दोस्त हैं सोनू सिंह जी, इनके जीवन को शायद मैं इंपैक्ट कर पाया, इनके जीवन में कुछ रोशनी ला पाया। इनके जीवन में शायद एकदम अंधेरा था, शायद दुनिया इनसे नाराज़ थी, शायद मेरा चैनल किसी तरीके से अगर एक रोशनी की किरण इनके लिए ला पा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने ये चैनल बनाया था क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने डील की है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी सुख नहीं दे पाया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसे सेक्सुअली कैसे अट्रैक्टेड रख सकता हूँ, असीम सुख पर बार बार लगातार मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ, मैं नहीं जानता था, मैं बहुत भोला था,
मैं बहुत सीधा साधा था, इसलिए मैंने वो सारे टिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीख लिए और आज मैं इस फील्ड का धुरंधर तो नहीं लेकिन अपना भी एक कुछ वर्ड है, अपना भी इस फील्ड में अब धीरे धीरे नाम हो रहा है दोस्तों, आपको ही थैंक्स है। लेकिन जब मेरा दिल टूट गया था, उस लड़की ने तोड़ दिया था, और आज जब मैं उस लड़की को याद कर रहा हूँ तो बार बार वही लड़की मुझे याद आ रही है, उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है और एक गाना मेरे माइंड में, मेरे दिल में आ रहा है। आप ज़रूर सुनिएगा इस गाने को, इस गाने में मेरी ज़िंदगी की पूरी कहानी छुपी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। पेश है उत्तम कुमार जी ने जो गाना गाया था, किशोर कुमार ने एक्चुअली गाया था, उत्तम कुमार जी और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया हुआ एक गाना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, इन चार लाइनों में आपको पता लग जाएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा है, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा है, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, सागर मेरे दिल के पास है, मेरे जीवन में कितनी प्यास है, सागर मेरे कितने पास है, मेरे जीवन में कितनी प्यास है, ये प्यास बड़ी जीवन थोड़ा अमानुष बना के छोड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि ये चैनल मैंने मानुष से अमानुष बनकर बनाया, मेरी भड़ास थी महिला जाति के खिलाफ जिसे मैंने निकाला, लेकिन आज मेरे वीडियोस अलग होते जा रहे हैं, पहले के वीडियोस अलग थे आज के अलग हो गए हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके शीघ्र पतन तक की प्रॉब्लम्स अगर आपको है, अगर आपको सेक्सुअली कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सेक्स ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करना चाहती है, मतलब बात तो नहीं करना चाहती है पर इस गंदे काम को, अगर ये गंदा काम है हर एक इंसान करना चाहता है रात को, तो अगर मैं खुले तौर पर इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे परवाह नहीं है किसी की। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, आज फिर से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ एक महीने में ही आ गए हैं, 1.5 साल में साहब 1000 सब्सक्राइबर्स आए थे और अब एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वेरी मेनी थैंक्स फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए, ऐसी ही पर्सनल भावना आपके साथ साझा करते हुए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।